हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, बात करने वाला हूँ ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी की तरफ से जो प्रोविजनल लिस्ट है, जो बीए बीएससी बीकॉम के लिए सेशन 24-28 के लिए जारी करना था, जो दोस्तों 1 तारीख को ही जारी होने वाला था, किसी कारण से आज जारी किया गया 7 तारीख को। तो दोस्तों, आप लोग कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका जो प्रोविजनल लिस्ट है उसमें आपका कौन सा सब्जेक्ट में कितना परसेंटेज क्या है, कैसे दोस्तों आप चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी की तरफ से लाइव कर दिया गया है, तो दोस्तों आप लोग आसानी से आकर के चेक कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप चेक कर सकते हैं। जो लोग 24-28 सेमेस्टर के लिए जो फॉर्म फिलअप किए थे उसी सब का यहाँ पे प्रोविजनल लिस्ट जारी किया गया है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे चेक करना है। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि जितने भी स्टूडेंट ऑनलाइन अप्लाई किए थे सभी के यहाँ पर आया है। तो दोस्तों, इसमें आपको अप्लीकेशन आईडी के माध्यम से आपको खोजना पड़ेगा। तो कैसे इसमें खोजेंगे, तो दोस्तों चेक करने के लिए आपको यहाँ जो सर्च बॉक्स दिख रहा है आपको इस पर सिंपली क्लिक कर लेना। दोस्तों, अगर आपको सर्च बॉक्स नहीं दिख रहा है तो आपको यहाँ पर थ्री डॉट दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर अगर आपको फाइंड का ऑप्शन मिलता है तो फाइंड पे क्लिक करके आप सर्च ऑप्शन ला सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं मैं डायरेक्टली यहाँ पर सर्च ऑप्शन आता है तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अप्लीकेशन आईडी डालना। चलिए यहाँ पर अप्लीकेशन आईडी हम डाल लेते हैं। उसका सिंपली यहाँ पर सर्च वाला आइकन पर क्लिक कर लेंगे। दोस्तों, यहाँ पर देख एप्लीकेशन आईडी डालने के बाद सर्च पर क्लिक करने को यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर दोस्तों आपका नाम यहाँ पर रेड कलर में आपका हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको खोजने के लिए यहाँ पर फाइंड पर क्लिक करके आसानी है खोजने में। उसके बाद यहाँ पर अगर आपको यहाँ पर मिल रहा है जैसे कि आपका 9 नंबर में आपका एप्लीकेशन आईडी यहाँ पर दिख जाएगा, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको कैंडिडेट का नाम यानी कि दोस्तों आवेदक का नाम यहाँ पर आपको दिख जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए तो आपको आवेदक के यहाँ पे फादर का नाम दिख जाएगा, उसके यहाँ पर आपको मदर का नाम दिख जाएगा, आपको कैटेगरी दिख जाएगा, उसका दोस्तों यहाँ देखिएगा तो आपको जेंडर दिख जाएगा, डेट ऑफ बर्थ दिख जाएगा, उसका फैकल्टी भी यहाँ पे आपको आर्ट्स साइंस कॉमर्स क्या है यहाँ पर शो हो जाएगा। उसका यहाँ पर देखिए तो आपको मोजर सब्जेक्ट भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप कौन सा सब्जेक्ट लिए, आपका सब्जेक्ट शो हो जाएगा। उसका दोस्तों आपको कितना परसेंटेज आया था यहाँ पर आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार से आपका जो प्रोविजनल लिस्ट है यहाँ पर आसानी से चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी की तरफ से जो फाइनल मेरिट लिस्ट है जो कि अभी नहीं जारी किया गया, जो कि 13 या 14 तारीख को जारी किया जाएगा। तो दोस्तों, ये प्रोविजनल लिस्ट है, अभी मेरिट लिस्ट नहीं आया है। तो दोस्तों, चलिए आप बात कर लेते हैं कि जो प्रोविजनल लिस्ट है उसको कैसे डाउनलोड करेंगे। तो उसको डाउनलोड करने के लिए मेरे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करके आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद।